हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक करगिल का दूसरा भाग। और रही बाकी जानकारियों की बात, तो वो भी तुम्हें अभी मिल जाएंगी। सरपंच ने तुरंत ही कुछ नौजवानों को बुला लिया। ये वे नौजवान हैं जिन्हें पास ही स्थित पाकिस्तानी कैंप में ट्रेनिंग देकर सीमा पर घुसपैठ करने के लिए भेजे जाने से पहले सगे संबंधियों से मिलने आज ही वापस गांव भेजा गया। ये तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले थे उन नौजवानों के जवाब। जिस पायलट की आप बात कर रहे हैं, उसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कैंप में रखा गया। आज रात पाकिस्तान सेना में कसाई के नाम से मशहूर कैप्टन गदर खान कैंप में पहुँचने वाला है। उसके आने के बाद उस पायलट से भारतीय सेना की गुप्त रहस्य उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि टॉर्चर के आगे वह पायलट अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता, क्योंकि गदर खान के बारे में मशहूर है कि जब वह टॉर्चर करता है तो पत्थरों को भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे खास तौर पर हिंदुस्तानियों को ही टॉर्चर करने के लिए तैयार किया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास भी है। आज सुबह होने से पहले पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ढेरों बारूद और छोटे टैंकों के साथ सीमा पर तैनात घुसपैठियों को मदद पहुंचाने जा रही है। अगर वह मदद उन तक पहुंच गई तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर घुसपैठियों का कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता। ओह, इसका मतलब हमें आज रात ही एक साथ दो काम करने होंगे। पहला, लेफ्टिनेंट अनिकेता को ट्रेनिंग कैंप से छुड़ाना होगा, और दूसरा, पाकिस्तानी सेना की मदद को घुसपैठियों तक पहुँचने से रोकना होगा। ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं। हाँ, हैं तो सही, लेकिन ठान लो जो कि दुश्मन का सर है कुचलना, तो फिर राह की मुश्किलों से क्यों हो डरना। और रस्क करो जहां वालों हमारी किस्मत पर, जिसमें लिखा है अपने वतन के लिए मरना। रस्क मतलब जलन। पाकिस्तानी सेना का कसाई गदर खान, जल्दी चलो, उस हिंदुस्तानी पायलट की खाल उतार कर उसमें नमक भरने के लिए मेरे हाथ बुरी तरह मचल रहे हैं। अपने आला ऑफिसर की फटकार पर ड्राइवर ने जीप को और तेज दौड़ाया। तेज चलाओ, लेकिन जल्द ही जीप रोक देनी पड़ी उसे। ओ, इतनी रात गई है, भेड़ सड़क पर किसने छोड़ दी। अरे ओ भेड़ बकरिया, हटा हट जाओ रास्ते से, वरना गदर खान का कहर तुम पर भी टूट पड़ेगा। तेरा कहर अब किसी पर नहीं टूटने वाला गदर खान, क्योंकि भारत के बेटे तेरे शहर को खत्म करने आ गए हैं। भेड़ों के खाल को ओढ़े तिरंगा और विकास थे वे, जिन्होंने गदर खान को ना संभलने का मौका दिया और ना कुछ करने का। धाक, बुरी तरह मात खा गया पाकिस्तानी फोर्स का वह कसाई, खुद हलाल होकर रह गया। खाच, गदर खान के बॉडीगार्डों को विकास, संजय, साजिद और प्रीतम ने संभाला। खाच, कुछ ही पलों में ही। आज तुम्हें अपनी मेकअप कला का कमाल दिखाना है संजय, ताकि उस ट्रेनिंग कैंप तक गदर खान और उसके साथी ही पहुंचे। कहाँ है वह हिंदुस्तानी पायलट? मेरे साथ आइए जनाब, मैं आपको उस तक पहुंचाता हूँ। बहरहाल, है इसी के सीने में दफन है हिंदुस्तानी फोर्स के कई खास राज। इसके हलक में हाथ डालकर हम उन राजों को निकलवा लेंगे। तुम सब बाहर जाओ। जैसे ही सभी पाक सैनिक बाहर गए, वैसे ही लेफ्टिनेंट अनिकेता तक झपट कर पहुंचा विकास। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ से छूटने के चक्कर में मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊँगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस हिंदुस्तानी की जुबान तुम किसी भी तरह खुलवा नहीं पाओगे। हम तुम्हें कोई झांसा नहीं दे रहे हैं दोस्त, और ये बात तुम मेरी तरफ देख कर ही समझ जाओगे। अनिकेता आवाज़ की दिशा में घूमा, और इसी के साथ उसकी आँखें घृणा की जगह आश्चर्य से फटती चली गई, क्योंकि उसकी आँखों के सामने खड़ा था तिरंगा। तिरंगा? हाँ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि हम सब तुम्हें छुड़ाने आए हैं। हमें इन्हें लेकर तुरंत यहां से निकलना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो दुश्मनों का हम पर शक हो जाएगा, और फिर हमारा चुपचाप काम करने का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें कुछ देर यहां रुकना होगा और ये दिखाना होगा कि हम अनिकेता को जबरदस्त टॉर्चर कर रहे हैं। चिल्लाना शुरू करो अनिकेता, तुम्हारी चीखें इस कैंप के चप्पे चप्पे पर गूंजनी चाहिए। अनिकेता ने चिल्लाना शुरू करते ही तिरंगा ने उन्हें अपनी आगे की योजना बतानी शुरू कर दी। गदर खान का रहस्य ज़्यादा देर छिपा नहीं रह सकता, इसलिए ज़रूरी है कि अनिकेता के यहाँ से निकलने के बाद भी पाकिस्तानियों को इसके निकलने का पता ना चले। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही तरीका है, हम में से एक को अनिकेता बनकर यहाँ रहना होगा, ताकि पाकिस्तानियों को यह भ्रम रहे कि अनिकेता अभी भी उनके कब्जे में है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो संजय, लेकिन हम में से अनिकेता बनकर यहाँ कौन रहेगा? किसी के कुछ बोलने से पहले ही टपाक से बोला विकास मोहन, मैं अनिकेता बनकर रहा रहूंगा, क्योंकि तुम सब में से सिर्फ मेरा ही डील डॉल अक्का जैसा है जो अनिकेता से मिलता है। तुम अनिकेता बनने के लिए एकदम फिट हो विकास, लेकिन अनिकेता बनकर यहाँ रहने से पहले सोच लो,
यहां रहने का एक ही मतलब है, यातना सहना और शायद तिल तिल करके मरना। भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे शहीद जिसके आदर्श हों, यात्राएं उसके लिए खिलौना है और मौत एक वफादार साथी। शाबाश। गर्व से विकास की पीठ थपथपाकर संजय की तरफ पलटा तिरंगा। संजय शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी ही। हमारे जुल्म के आगे इसके होशों ने हिम्मत तोड़ दी है, इसकी निगरानी करो। जब तक इसे होश आता है तब तक हम एक राउंड लगा कर आते हैं। बहुत अच्छा जनाब। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट लेफ्टिनेंट अनिकेता को छुड़ाने में सफल हुए थे वो, लेकिन घुसपैठियों को पहुंचने वाली पाकिस्तानी सेना की मदद को रोकने वाले मिशन में अभी सफल होना बाकी था। यही एक रास्ता है जिससे दुश्मन की फौज की मदद घुसपैठियों तक पहुंच सकती है और वह मदद यहां तक पहुंच जाएगी ठीक 2 घंटे बाद। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो साजिद? जवाब प्रीतम सिंह ने दिया। जिस तरह संजय मेकअप में और मैं हथियारों के मामले में एक्सपर्ट हूं, उसी तरह साजिद जमीन पर कान लगाकर कई किलोमीटर दूर चलने वाले इकट्ठे आदमियों व वाहन वगैरह की आड़ सुनकर यह बताने में एक्सपर्ट है कि वे आदमी और वाहन कितनी दूर हैं और किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। वाह, एकदम चमत्कारी क्षमता है ये तो। हाँ, और ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो चोरी करने में मेरे बहुत काम आता था, लेकिन आज ये देश के काम आ रहा है क्योंकि तुम्हारे गॉड गिफ्ट की बदौलत हमें दुश्मन की स्थिति का पता चल गई। उन्हें रोकने की एक योजना मेरे दिमाग में जन्म ले रही है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें एक बार फिर रकाबा गांव वालों से मिलना होगा, क्योंकि इसके लिए हमें उनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है। रकाबा गांव पहुंचकर तिरंगा ने अपनी योजना गांव वालों को बताई तो सभी एक ही स्वर में कह उठे, हम सब तैयार हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आइए मेरे साथ। गांव का बच्चा बच्चा तिरंगा के पीछे हो लिया था और वे सभी उसके कहे अनुसार काम कर रहे थे। करगिल 20 किलोमीटर। शाबाश, जल्दी करो। इस दर्रे की बर्फ और चट्टानों को ऐसे गिरा दो कि दुश्मन इसे कोई प्राकृतिक भूस्खलन समझे और यहीं रुक कर रह जाए। काम जल्दी ही खत्म हो गया। इस इलाके से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। पाकिस्तानी सेना को उसे खोलकर आगे बढ़ने में लगभग 5 घंटे लगेंगे और इन 5 घंटों में हमें इन घुसपैठियों को या तो ख़त्म कर देना है या फिर उन्हें वापस खदेड़ देना है, जिन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सेना का एक एक सिपाही कृत संकल्प है। विमान पर दुश्मन का गोला लग गया है। विमान कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाएगा और इसके साथ मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मेरे उस वचन का क्या होगा जिसे देते हुए मैंने माँ से कहा था कि मैं अकेला दुश्मन की 10 जानें लेकर मारूंगा। और ऐसा तभी होगा जब इस विमान का रुख दुश्मन की तरफ होगा। भाग! भारत के वीर, वे वीर उन दुश्मनों को तबाह कर रहे थे जिन तक पहुंचने वाली मदद यहाँ अटक गई थी। उफ, सारी पहाड़ी खिसक कर इस रास्ते पर आ गई है। आगे बढ़ना है तो यह रास्ता साफ करना होगा। पाकिस्तानी कमांडर के आदेश पर सेना के सिपाही तुरंत ही रास्ता साफ करने में जुट गए। जल्दी करो, हमें जल्दी 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 से जल्दी अपने साथियों की मदद के लिए पहुंचना है ताकि हम काफिरों की फौज की धज्जियां उड़ाकर उनसे उनके हौसले तोड़ सकें। भारतीय सैनिकों के हौसलों को तोड़ने की सोचता वह पाक कमांडर क्या जानता था कि वह भारतीयों के जिन हौसलों को तोड़ने की बात कर रहा है वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। क्या हुआ बलबीर, गोले फेंकने बंद क्यों कर दिए? तोप के हुक को थामने वाला लीवर टूट गया है अशफाक भाई, जब तक उसे रिपेयर नहीं किया जाएगा तब तक तोप गोला नहीं दाग सकती। दुश्मन सामने है, उसकी रीढ़ तोड़ने का हमारे सामने सुनहरा मौका है अशफाक। अशफाक ये मौका नहीं चूकेगा, तोप का गोला दाग नहीं होगा। अपना हाथ बढ़ाकर तोप के हुक को थाम लिया भारत माँ के उस लाल ने और चीख पड़ा, यह हुक अब इस फौलादी शिकंजे से नहीं छूटने वाला। बलबीर गोला दागो। ये आप क्या कह रहे हैं अशफाक भाई, इस तरह हुक को थामने से गोला तो शायद दग जाए लेकिन जैसे ही गोला दगेगा तुम्हारे हाथ के परखच चोड़ जाएंगे। पागल, तू सिर्फ हाथों की बात कर रहा है? मेरे 5 साल के बेटे ने तो मुझसे कहा था कि अब्बू अगर दुश्मन को खत्म करने के लिए आपके शरीर की धज्जियां उड़ जाएं तो पीछे मत हटना। चल अब देर मत कर, गोला दाग। गोला दगा और याली, दुश्मनों के चीथड़े हवा में लहराते नजर आए, जिन्हें देखकर खुशी से झूम उठा था वह जो धमाके में अपने दोनों हाथ गंवा बैठा था। याहू, मेरा बेटा जब ये सुनेगा कि उसके बाप ने अपने 2 हाथ गंवाकर दुश्मन के 20 हाथों को काट डाला तो खुशी से फूला नहीं समाएगा। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर कुर्बानी दे रहे थे भारतीय सपूत, साहस और जाबाजी की हर सीमा को पार कर रहे थे। पीप पीप, हम दुश्मन की चौकी की तरफ और आगे नहीं बढ़ सकते। डिटेक्टर बता रहा है कि मानव शरीर की ऊष्मा से सक्रिय हो जाने वाली लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। ओ, माइंस को निष्क्रिय करने का प्रबंध करो। सॉरी सर, उन लैंडमाइंस में विशेष प्रकार के बम फिट किए गए हैं, उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे ही कोई इंसान उसे छूने की कोशिश करेगा वैसे ही वह फट जाएगा और हमें भारी नुकसान होगा। किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि माइंस में लगे बम उससे पहले ही फट जाएंगे मेरे शरीर से टकराकर। जय हिंद।
अपने शरीर को बमों के धमाकों में झोंक कर उसने उन सिपाहियों को आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया जो दुश्मनों पर मौत बनकर बरस रहे थे। इधर तिरंगा और उसके साथी दुश्मन पर काल बनकर बरसने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय मैं दुश्मनों की कैद में था उस समय उनका बातों से मैंने जाना कि घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या उस सामने वाली चोटी पर बनी चौकी पर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसकी चौकी पर वे सभी अत्यधिक सुविधाएं भी उपलब्ध है जिनके सहारे घुसपैठियां अभी तक भारत भूमि पर डटे हुए हैं। इस चौकी की तरफ पाकिस्तान सेना की वह मदद पहुंचाने वाली है जिसे हम पीछे रोक कर आए हैं। यानी अगर हम उस चौकी पर कब्जा कर लें तो हम इस लड़ाई को लगभग जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है तो हमें उस चौकी पर हमला करने की तैयारी करनी होगी और ऐसा हमें जल्दी करना होगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना की मदद से इस चौकी तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। दुश्मन की उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जे की योजना बनाता तिरंगा नहीं जानता था कि उसके पास समय उसकी सोच से भी कम था क्योंकि पाकिस्तानी सेना का वह दस्ता उसकी सोच से पहले अपना रास्ता साफ करके आगे बढ़ रहा था और जो चौकी उनकी मंजिल थी उस चौकी पर मदद की सचमुच सख्त जरूरत थी। उस चोटी पर जो लहरा रहा वह हिंदुस्तानी झंडा तिरंगा ही है ना? बिल्कुल तिरंगा ही है वह, लेकिन वह अपने कब्जे वाली उस चोटी पर कैसे लहरा रहा है? कौन उसे लेकर वहाँ लेकर पहुँचा? हमने तो किसी को भी उस चोटी तक पहुँचते नहीं देखा। ये दुश्मन की कोई चाल लगती है? हो सकता है, लेकिन हमारे हिस्से पर तिरंगा लहराने की दुश्मनों की नापाक कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तुम दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ जाओ और जो भी मौजूद हो उसे गोलियों से भून कर तिरंगे को जला कर फेंक दो। ठीक है। सभी का ध्यान चोटी पर लहराते तिरंगे की तरफ बढ़ चुका था इसलिए कोई नहीं देख पा रहा था जिधर उधर जिधर से संजय साजिद और प्रीतम सिंह के साथ लेफ्टिनेंट अनिकेता तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। तिरंगा की चाल काम कर गई, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आगे बढ़ते सभी अचानक ठिटक गए। ये उन भारतीय सैनिकों के शव हैं जो उस चौकी पर तैनात थे। इन्हीं को मारकर दुश्मनों ने इस चौकी पर कब्जा किया। ओफ ये लाश, और इसका मतलब चौकी पर दुश्मन काफ़ी संख्या में मौजूद है। मैं अभी पता करता हूँ। साजिद ने तुरंत ही अपने कान बर्फीली दीवार से लगा दिए। कुछ पलों बाद ही ऊपर से आती पदचापों और हलचलों के मुताबिक दुश्मनों की संख्या 30-35 के आसपास होनी चाहिए। ओह, इसका मतलब हमारा एकदम से ऊपर पहुंच जाना बेवकूफ़ी होगा। हमें वहां तक पहुंचने से पहले अपने बचाव का कोई तरीका सोचना होगा। बचाव का तरीका? एक तरीका तो है मेरे पास और उसमें हमारे देश के शहीद हुए ये सैनिक हमारी मदद करेंगे। वीरगति को प्राप्त हो गए सैनिकों के शवों को घूरती मेकअप के उस उस्ताद की आंखों में भला सी चमक थी जबकि हेलीकॉप्टर के सहारे चोटी पर पहुंचे इन पाकिस्तानी सैनिकों की आंखों में भरा था जमाने भर का आश्चर्य। यहाँ तो कोई नहीं, फिर ये तिरंगा यहाँ कैसे पहुंचा? सोचना छोड़ यार और उतार इसे। हाथ तापेंगे इसे जलाकर। बदन से कटकर गिर गए उस जालिम के हाथ खाच जिसने की पवित्र तिरंगे की जलाने की बात। मेरा इरादा तो पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान बटाना था खाच, लेकिन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर से यहाँ आकर इन सिपाहियों ने मुझे एक ऐसा उपहार दे दिया है जिससे मैं उनके छक्के छोड़ा सकता हूँ। जैसे ही वे दोनों सैनिक बेहाल होकर नीचे गिरे वैसे ही उन पर नजर रख के उनके साथी चौंक गए। वहां कोई है जिसने हमारे साथियों को मार डाला है, हमला करो उस पर। तुरंत ही कई रॉकेट दगे, ब्रूम ब्रूम। लेकिन जब तक वे उस पहाड़ी पर पहुंचे तब तक तिरंगा हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां जगह छोड़ चुका था। उफ, सही टाइम पर मैंने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया, अब वे दोबारा मुझ पर हमला करें उससे पहले ही मुझे इस हेलीकॉप्टर में फिट हथियारों से हमला कर देना चाहिए। दुश्मनों को हैरान कर देने वाला था वह हमला और उस समय तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब हमला दूसरी तरफ से भी हुआ। गोलियों की आवाजों के बीच वह आवाज भी गूंजी थी, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो, सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। ओह, दुश्मन आवाज की दिशा में घूमे, उनके राय से होश भी उड़ गए। ओ नहीं, इतने हिंदुस्तानी सिपाही, लेकिन एकदम से इतने सिपाही ऊपर पहुंच कैसे गए? देखो मत बेवकूफों, हलाल करो इन्हें। गोलियां चली और खुला वह रहस्य। ओ नहीं, ये तो बर्फ के पुतले हैं जिन्हें हिंदुस्तानी सिपाहियों की यूनिफॉर्म पहना रखी है। सही समझे, लेकिन देर से समझे। वाह साजिद, कमाल किया तेरे बनाए उस बनाए गए बर्फ के पुतलों ने। दुश्मन उनसे ऐसा धोखा खाएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें लेफ्टिनेंट अनीते का भी काफी कमाल नहीं, काफी कम कमाल नहीं जिन्होंने उन बर्फ के सैनिकों के बीच छिपकर दुश्मनों को चेतावनी दी और फिर दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए हमारे साथ आ मिले। ये चारों नीचे से। और तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं करगिल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।